तो गाइस आज मैं हाय नाना, हमारे हिंदी में जो हाय पापा मूवी आया है, मतलब मृणाल ठाकुर स्टारर और नेचुरल स्टार नानी स्टारर, वो फिल्म देखने गया था और मुझे देखने को मिला सलार का ट्रेलर। भाई साहब, जो 400 करोड़ की बजट है, प्रशांत नील क्या मेहनत करे हैं वो आप समझ पाओगे जब थिएटर में देखोगे। तो क्या लग रहा है यार खान सर की दुनिया, क्या लग रहा है खान सर की दुनिया, जबरदस्त। भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कूटनीति कह करके खान सर की दुनिया की जो राजनीति देखने को जो मिलता है, जो कुर्सी के लिए जो चालबाजी जो चलता है, जो गेटअप देखने को मिलता है, बॉब सिम्हा, श्रिया रेड्डी, जगपति बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन, वो गरुड़ा, इन लोगों को जब देखने को मिलता है, वो जो स्टोरी बिल्डअप वाला सिलसिला है, बहुत खतरनाक लग रहा है भाई। मतलब सलार की दुनिया में डूब जाओगे, इतना मेहनत हुआ है, इतना खर्च हुआ है, इतना जबरदस्त लग रहा है वो दुनिया। जो लोग भी कह रहे हैं ना केजीएफ का वाइब्स आ रहा है, केजीएफ जैसा लग रहा है, भाई साहब आप जाकर के देखो एक दफा, जाकर के देखो एक दफा, या फिर आप लोग हेटर्स हो या फिर आप लोगों को कुछ नहीं पता, ओके, इतना जबरदस्त लग रहा है, आप समझ पाओगे कि भाई प्रशांत नील क्या बनाए हैं, ये क्या लेकर के आए हैं, ये है ना, बहुत खतरनाक लग रहा है यार, बहुत खतरनाक लग रहा है सच में। लिटरली जब प्रभास की एंट्री होती है, जब एक्शन सीन चलता है ना, जब क्लोजअप शॉट वगैरह प्रभास का देखने को मिलता है, जो मतलब जो ब्रूटेलिंग एक्शन वगैरह चलता है, क्या लग रहा है यार। मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ डार्लिंग फ्रेंड्स, मतलब जिस तरह की प्रभास को आप देखना पसंद करते थे, जिस तरह की प्रभास की ख्वाहिश था ना, इस बार वैसा ही आ रहा है, जो कि थिएटर में एकदम से ब्लास्ट होने वाला है। बहुत जबरदस्त एक्शन, बहुत जबरदस्त, खतरनाक लगेगा एकदम से। देखो आपको वाइब्स देगा ये बाहुबली टाइम का एक्शन वाइब्स देगा, और दूसरे नंबर पे आपको वाइब्स मिलेगा वो साहो मूवी का जो क्लाइमेक्स वाला फाइट होता है ना, मैं यहाँ पे पोस्टर लगा देता हूँ, ये वाला बिल्कुल वैसा वाला वाइब्स देगा आपको, थोड़ा अलग तरीके से, जो कि थोड़ा इम्प्रूव्ड है, डेवलप्ड है, मतलब प्रशांत नील जी की जो दुनिया है एक्चुअली उसके साथ, जो कि बहुत मजा आ रहा है। लिटरली आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे गिफ्ट दिखा करके, भाई साहब ये वाला स्क्रीन, ये वाला सीन तो बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है, मतलब हर एक फाइट सीन बहुत जबरदस्त लग रहा है, मतलब फील हो रहा है कि भाई मैं एक गजब का फिल्म देखने जा रहा हूँ, मजा आएगा। मुझे तो ऐसा लगने लगे भाई ये अभी फिल्म चला दो, अभी फिल्म चला दो, बहुत मजा आने वाला है, ये बिल्कुल ऐसा फील हो जाएगा आप लोगों का। जो लोग भी ट्रेलर को थिएटर में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले चुके हो, जो लोग थिएटर में देख चुके हो, अब मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है ये। ओके अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा शिकायत के बारे में कि भाई क्या चल रहा है यार। देखो जब ट्रेलर 1 आया ना, ये 7:19 December 1 को, ये अपडेट ना जाने कब से दे दिए थे, 10-15 दिन पहले से, है ना, हम सभी के दिमाग में एकदम से छप चुका था कि भाई December 1 को 7:19 इवनिंग को ट्रेलर आएगा बोल करके। ना जाने कब से मेकर्स अपडेट देते, अभी भी सोशल मीडिया पे वो लोग एक्टिव है, कभी कम्युनिटी पोस्ट पे आकर के क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी गिफ्ट छोड़ रहे हैं, कभी वीडियो वीडियो शॉर्ट छोड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारा चीज छोड़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब सोशल मीडिया पे ऑडियंस को एकदम से एक्टिव करके रखे हैं वो लोग, बांध कर रखे हैं, लेकिन अभी तक नेक्स्ट आउटपुट की अपडेट नहीं दिए हैं, ना वो सॉन्ग का, ना वो ट्रेलर 2 का। देखो सॉन्ग के बारे में तो अभी हम बात ही नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 8 तारीख बोल रहे थे, 9 तारीख बोल रहे थे, 11 भी बोल रहे थे, अभी तक कोई भी अपडेट आया ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा। डायरेक्टली हम टारगेट करते हैं ट्रेलर 2 को, लेकिन ट्रेलर 2 का भी अभी तक अपडेट नहीं आया है, क्या चला के रखे हैं यार, है ना। अगर ट्रेलर 2 आना होता तो ये लोग अपडेट दे देना चाहिए ना, जैसे ट्रेलर 1 का पूरा बहुत दिन पहले से अपडेट दे देते हैं, और सोशल मीडिया एक्टिव है, ये लोग सोशल मीडिया पे एकदम से एक्टिव है, तो ट्रेलर 2 कब छोड़ेंगे, उसका अपडेट तो दे देना चाहिए। जैसे कि ट्रेलर 1 आया, ट्रेलर 1 के साथ ही ये लोग एडवांस बुकिंग का अपडेट दे दिए कि 15 December को एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो रहा है बोल करके। अगर इतना एडवांस ये लोग अपडेट दे सकते हैं एडवांस बुकिंग का, तो ट्रेलर 2 का भी तो अपडेट दे देना चाहिए, यस और नो, ट्रेलर 2 का भी अपडेट दे देना चाहिए। जैसे टीजर के टाइम पे ट्रेलर का अपडेट दे देते, ट्रेलर के टाइम पे एडवांस बुकिंग का अपडेट दे दिया है ना, तो हमेशा ये लोग अपडेट देते ही जाते हैं, आर्लियर अपडेट देते हैं, लेकिन ट्रेलर 2 का अपडेट अभी तक नहीं आया है। 16 December जो है वो अनऑफिशियल है, ऑफिशियल बिल्कुल नहीं है, वो ऑफिशियल तरीके से कहीं पे भी आपको लिखने को दिखा मतलब देखने को नहीं मिलेगा कि 16 December को ट्रेलर 2 आएगा बोल करके, लेकिन अभी तक मेकर्स की तरफ से अपडेट नहीं आ रहा बिल्कुल नहीं, क्या चल रहा है यार ये, मतलब ट्रेलर 2 भी नहीं आया क्या, इसलिए 4-4 मिनट का ट्रेलर छोड़ दिए और उसी ट्रेलर के साथ ही उसका गिफ्ट बना करके उसका पिक्चर दे दे करके मतलब प्रमोशन करते जाएंगे, एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर देंगे और 22 December को एकदम डायरेक्टली फिल्म को रिलीज कर देंगे, कुछ ऐसा प्लानिंग में तो नहीं है ये लोग, क्या पता। वैसे भी क्रेज भी बहुत ज्यादा है, क्रेज भी बहुत ज्यादा, देखो क्लैश होने वाली है डंकी के साथ, डंकी और सलार के क्रेज को अगर हम मापें तो क्रेज दिख रहा है ज्यादातर सलार का क्रेज बहुत ज्यादा है। ओके अभी आप सोशल मीडिया पे हर जगह पे देख सकते हो कि सलार का क्रेज बहुत ज्यादा है, तो शायद मेकर्स इसलिए कोई और आउटपुट छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बहुत दिन बाकी है यार, अभी तक 11 दिन बाकी है, और इसी बीच कोई आउटपुट नहीं छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना,
सॉन्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ट्रेलर टू तो कम से कम उसका तो अपडेट दे दे कि 16 दिसंबर को ट्रेलर टू आ रहा है बोल के, 16 दिसंबर हो 17 दिसंबर कभी भी, तो नेक्स्ट आउटपुट का अपडेट अभी आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है ना? क्योंकि ट्रेलर वन का अपडेट तो 15 दिन पहले से आ चुका था, अभी तो फिल्म रिलीज होने के लिए 11 दिन बाकी है, लेकिन नेक्स्ट आउटपुट का अपडेट कहाँ है? क्या पता कुछ ऐसे प्लानिंग में तो नहीं है ना, ट्रेलर वन ही सब कुछ है, वो प्रमोशनल वीडियो है, डायरेक्टली फिल्म देखोगे और कुछ नहीं। पता नहीं यार क्या चल रहा है ना भाई। लोग ट्वीट करो कि नेक्स्ट आउटपुट का ये लोग अपडेट दे अगर छोड़ना चाहते हैं तो, नहीं तो क्या चल रहा है पता नहीं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।